हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है कीमा मसाला विथ बोनलेस चिकन। और इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ये ऑयल है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चुटकी भर हमें लगेगी हल्दी, नमक स्वादानुसार, ये है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये है 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये है 1 टीस्पून गरम मसाला, ये है 3 ओनियन, मीडियम साइज ओनियन लिए हैं और इन्हें लंबा हमने काट लिया है, थोड़ा कड़ी पत्ता, राई, ये हमें होल मसाले लेना है, जैसे इसमें दालचीनी 1 इंच, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 टोमेटो और ये चिकन कीमा लिया है और ये है बोनलेस चिकन। इसे जस्ट पारबॉइल कर लिया है और हम हमारे रेसिपी को शुरुआत करते हैं। आज की रेसिपी हमें दिखा रहे हैं मिस्टर पराग, बट उन्होंने एक ही शर्त पे मुझे ये दिखाने के लिए वो रेडी हुए हैं कि मैं उन्हें सिर्फ रेसिपी मतलब बनाते हुए दिखाऊं, उन्हें ना दिखाऊं। सो मैंने ये शर्त मान ली क्योंकि मुझे ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले ये हांडी में तेल ले लिया है और इसे थोड़ा हम गर्म होने देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 टीस्पून राई, ये लगभग 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने, आप देख सकते हैं इसे अच्छे से क्रैकल हो रहा है ये। फिर हम डालेंगे ये अच्छे मसाले, हम डालें प्याज, ये पतला लंबा हमने काट लिया है, हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, आज के हमारे शेफ थोड़े कैमरा शाय हैं तो इसलिए वो सिर्फ रेसिपी शेयर करेंगे पर वो खुद नहीं आएंगे। ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है इसलिए क्योंकि ये सब जो हम लोग मतलब रेसिपी है ये सब थोड़ा प्रोसेस है इसमें, जैसे ये धीमी आंच पे अच्छे से प्याज भुनना चाहिए, फिर बाकी मसाले भी अच्छे से भुने जाने चाहिए, इसलिए हमने ये प्री रिकॉर्डेड किया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये दोनों की मात्रा सेम है इसमें, जिंजर और गार्लिक, और इसमें डाली है 2, जैसे 1 कटोरी अगर आप गार्लिक ले रहे हैं तो जिंजर भी उतना ही लिया है, और उसमें लिया है 2 से 3 हरी मिर्च, वो आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा तीखापन चाहिए तो आप उसमें और ले लें। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे,
अब इसमें हम डाल रहे हैं टोमेटो, ये दो मीडियम साइज टोमेटो थे, इसे हम कट कर लिया है और अब हम इसमें मिलाया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी भूनेंगे इन मसालों के साथ। ये थोड़े सॉफ्ट हो जाने चाहिए और फ्लेम मैंने एकदम धीमी रखी हुई है ताकि ये एकदम धीमी आंच पे हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे टोमेटो भी अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से हमारा मसाला सौते हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे सूखे मसाले, हल्दी, हाफ टी स्पून लगभग थी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काले मिर्च, गरम मसाला ये 1 टीस्पून है, ये 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। रेड चिली पाउडर आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, आपको तीखापन चाहिए तो आप उसमें और ले सकते हैं। इसे हम 2 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे कीमा, ये चिकन कीमा है, अच्छे से धो लिया था। अच्छे से हम मिला लेंगे इसे। ये मेरी फेवरेट हांडी है तो इसमें भी ये इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें बनाने से। अब हम इसमें मिलाएंगे ये चिकन, ये जैसे मैंने कहा पार बॉईल कर लिया था, बस ये बोनलेस है, एक बॉईल लेके गैस बंद कर दी थी, ये भी हम इसमें मिलाएंगे। और चिकन कीमा है तो फटाफट पक भी जाएगा। ये हमारी हेड शेफ की खास रेसिपी है। हमने सारे मसाले अच्छे से उसमें मिला लिए हैं। अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। आपको अगर थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा इसमें पानी मिला सकते हैं, और ड्राई चाहिए तो ज़रूरत नहीं है, ये जो पानी छोड़ेगा वो उसी में पक जाएगा। धीमी आंच पे हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। दस मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। वाह, हमारा कीमा
रेडी, कीमा विथ बोनलेस चिकन, कीमा मसाला विथ बोनलेस चिकन। अब हम इसे सर्व करेंगे। वाओ क्या बढ़िया रंग आया है। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। ये ब्रेड और कीमा और ये मसाला प्याज, और आप देख सकते हैं ये टेबल मैट, ये मेरी अभी लेटेस्ट क्रिएशन है। सो ये मेरी क्रिएशन के साथ हमारे हेड शेफ की रेसिपी, कीमा मसाला विद बोनलेस चिकन। होप आपको अच्छी लगी हो।